अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कीमा पराठे की रेसिपी। तो ये देखिए, बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए अंदर से कितना यम्मी लग रहा है, खाने में भी टेस्टी लगता है, तो आप ज़रूर बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने मैदे का आटा ले लिया था, ये देखिए मैंने 1.5 कप लिया था, तो उसमें मैंने 5 या 6 या 7 बने थे पराठे, तो अगर आपको कम लेना है तो आप कम ले लेना। और ये देखिए मैंने इसमें नमक डाला है और थोड़ा सा ऑयल डालना है, बाकी कुछ नहीं डालना है हमको इसमें। 1 चम्मच ही ऑयल डाला था मैंने इसमें, और अच्छे से मिला लेना है और सॉफ्ट आटा गूंद लेना है, जैसे चपाती के लिए गूंदते हैं वैसे ही गूंदना है। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसे लगी। तो ये देखिए आटे में थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, और ज़्यादा पतला भी मत करना आटे को, थोड़ा ठीक ही रखना है, नहीं तो पराठे हमारे बराबर नहीं बनेंगे। तो आटा गून के मैं रेस्ट के लिए रख लूँगी, 5 मिनट ही रेस्ट करने रखना है, ज़्यादा देर भी मत रखना रेस्ट करने के लिए। और मैंने चिकन का कीमा लिया था अंदर फिलिंग के लिए, तो अगर आपको मटन लेना है तो मटन भी ले सकते हो, लेकिन मैंने चिकन का ही लिया था। और बारीक कीमा लेना है, थोड़ा ज़्यादा मोटा मत लेना कीमा, नहीं तो पराठा फट जाएगा। और मसाले भी उसमें कम ही डालने हैं हमको। ये देखिए मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा ही तेल लिया है, तेल भी ज़्यादा नहीं लेना है, और प्याज मैंने एक छोटी साइज़ की ली थी, और बारीक कट करके लेना प्याज को, ज़्यादा बड़ी काटोगे अगर तो पराठा फट जाएगा, इसलिए बारीक ही चॉप करनी है। प्याज हमारी हो जाए उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। हल्की फ्राई करना है, ज़्यादा भी फ्राई मत करना, और कीमे में भी ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं हमको, थोड़े ही मसाले डालने हैं। तो ये देखिए प्याज हो चुकी है, मैं इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डाल दूँगी। अदरक लहसुन पेस्ट डालने के बाद अच्छे से पका लेना है, उसके बाद कीमा डालना है हमको। 250 ग्राम ही कीमा लिया था, अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा लीजिए, या कम बनाना है तो कम लीजिएगा। ये देखिए अच्छे से भून लेना है इसको, और इसमें नमक डाला था मैंने, नमक 1/2 चम्मच ही डाला था। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, मिर्च भी मैंने 1 चम्मच डाली थी, अगर आपको तीखा पसंद हो तो आप ज़्यादा डालिएगा। हल्दी पाउडर डाला है मैंने इसमें, हल्दी पाउडर भी 1/2 चम्मच ही डाला है, और धनिया पाउडर डाला था, धनिया पाउडर भी 1/2 चम्मच डाला है, और ज़ीरा पाउडर भी 1/2 ही चम्मच डाला है मैंने इसमें। ये देखिए अच्छे से मिला लेना है, ये मसाले डालने के बाद हमको इसका पानी सूखने तक पकाना है, तेल कम डालना है हमको इसमें, ज़्यादा तेल मत डालना, और पानी भी नहीं डालना, क्योंकि चिकन का कीमा पानी में उसी के पानी में गल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कीमा गलने के लिए, और एकदम सूखा कर लेना है, थोड़ा भी पानी मत रखना। ये देखिए अच्छे से मिला लेना है, उसके बाद मैं इसमें हरा धनिया डालूँगी, मेरे पास पुदीना भी था इसलिए मैंने पुदीना भी डाला है, हरा धनिया और पुदीना बारीक कट करके लिया था वो डाला है मैंने इसमें। मैंने एक हरी मिर्च भी बारीक चॉप करके डाली थी इसमें, एकदम बारीक बारीक चॉप करना है, उसको ठंडा होने रख लेना है, उसके बाद हम पराठे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया था, उसको बेल लिया है, ज़्यादा बड़ा अगर आपको चाहिए तो आप ज़्यादा बड़ा बनाना, मैंने छोटे साइज़ के ही बनाए थे। ये देखिए ऐसे करना है, और उसके बाद हम कीमा अंदर फिल करेंगे इसमें। ये देखिए जैसे मैं आपको बता रही वैसे ही बनाइएगा, और कीमा भरने के बाद ज़्यादा बेलना मत, नहीं तो फट जाएगा, हल्के हाथ से ही करना है, बेलन यूज़ मत करना, कीमा अंदर भरना है हमको। और मैंने इसमें चीज़ डाला था, चीज़ डालना ज़रूरी नहीं है, मेरे पास था इसलिए मैंने ट्राई किया था चीज़ डाल के, आप बिना चीज़ के भी बना सकते हो, वैसे तो कीमा पराठा बिना चीज़ के ही बनता है, मैंने सोचा कि क्यों ना ट्राई किया जाए चीज़ डाल के एक बार कैसे बनता है, चीज़ डाल के भी अच्छा ही बना था, कीमा भी डाल के आप बना सकते हो, मेरे पास था इसलिए मैंने चीज़ डाला, दोनों ही तरीके से अच्छे बनते हैं पराठे। तो ये देखिए हाथ से करना है, बेलन से मत करना नहीं तो फट जाएगा, और जो हम चपाती बना रहे हैं एकदम पतली बेलना है, ज़्यादा मोटी मत बेलना, अगर मोटी बेलोगे तो क्रिस्पी नहीं बनेंगे, जितनी पतली रहेगी उतने क्रिस्पी बनेंगे पराठे। और ये देखिए ऑयल या घी डाल के आप सेक सकते हो,
मैंने घी डाला था और अच्छे से ब्राउन कलर आने तक इसको सेकना है स्लो गैस पे। और रेडी हो चुका है हमारा पराठा, खाने में बहुत टेस्टी लगता है, ज़रूर बनाइएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि कैसे लगी रेसिपी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा रेसिपी को। तो ये देखिए रेडी हो चुका है, मैं इसको निकालूंगी। और मैं स्टार्टिंग में आपको कीमे वाला बताया था, ये चीज़ वाला है, ये आपको कट करके दिखा रही हूँ, देखो कितना यम्मी लग रहा है अंदर से, तो बनाइएगा ज़रूर। मैं आपसे मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।